आप विधायक अमानतुल्ला खान के यहाँ ईडी की छापेमारी पर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2016 का एक मामला है, 8 साल से सभी एजेंसियां इस मामले में अलग अलग स्तर पर जांच कर चुकी हैं और अभी तक कुछ मिला नहीं है। ये केंद्र सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि एसीबी उनकी सीबीआई उनकी जांच के बावजूद नहीं दिखा कि पैसों का लेन देन हुआ है। और वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है, उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया, 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। और केंद्र सरकार तो चाहती है कि दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पर पद खाली रहें, वहाँ की खुद वो भर्ती करना नहीं चाहते, कोई और दूसरा भर्ती कर दे तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाते हैं। इसका मतलब वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पूरी की पूरी जो सरकारी व्यवस्था है वो चरमरा जाए। यही अस्पतालों के अंदर भी कर रहे हैं, खुद लेंगे नहीं दूसरे को लेने देंगे नहीं। तो सारा देश देख रहा है कि इस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब जैसे जैसे दिल्ली का चुनाव पास आ रहा है इस तरीके का दबाव और बढ़ाएंगे।